Hello dear students, welcome to BRAMS School Online Study Channel. Today we shall learn a new lesson. Please open your textbook as per the title of this video. Watch this video together with your textbook. You must read the lesson from your textbook before watching this video. Please watch the video attentively and listen to all the explanations. Underline the difficult words or phrases. Learn their meanings. If you have any queries, please write them in the comments box. Now, let's begin. सा था नेपोलियन। नेपोलियन जब छोटा लड़का था, तभी से वह सत्यवादी था। एक दिन वह अपनी बहन इलाइजा के साथ आंख मिचौनी खेल रहा था। इलाइजा छिपी थी और नेपोलियन उसे ढूंढने के लिए इधर-उधर दौड़ रहा था। अचानक वह एक लड़की से जा टकराया। लड़की अमरूद बेचने के लिए ले जा रही थी। नेपोलियन के टकराने से उसकी टोकरी नीचे गिर पड़ी। कीचड़ होने के कारण उसके सारे अमरूद खराब हो गए। वह रोती हुई कहने लगी, अब माँ को मैं क्या जवाब दूंगी? चलो भैया, हम यहाँ से भाग चलें। नहीं बहन, हमारे कारण ही तो इसकी हानि हुई है। यह कहकर नेपोलियन ने जेब में रखे 3 छोटे सिक्के उस लड़की को देकर कहा, बहन मेरे पास ये 3 ही सिक्के हैं, तुम इन्हें ले लो। इन 3 सिक्कों से क्या होगा? मेरी माँ मुझे बहुत मारेगी। अच्छा, तो तुम हमारे साथ घर चलो, हम तुम्हें अपनी माँ से और पैसे दिलवा देंगे। भैया, इसे घर ले चलोगे तो माँ नाराज होगी। नेपोलियन नहीं माना। वह उस लड़की को अपने साथ घर ले गया। माँ को घटना की जानकारी देकर वह बोला, माँ आप मुझे जो जेब खर्च देती है उसमें से इस लड़की को पैसे दे दीजिए। ठीक है, मैं तुम्हारी सच्चाई से खुश हूँ, मगर याद रखना अब तुम्हें 1 महीने तक जेब खर्च के लिए कुछ भी नहीं मिलेगा। ठीक है माँ। माँ ने उस लड़की को 2 बड़े सिक्के दिए। वह खुशी खुशी घर लौट गई। नेपोलियन को धक्का देने की सजा तो मिली, परंतु सत्य के पथ पर चलने के कारण उसे यह सजा भुगतने में अद्भुत आनंद आया। वास्तव में नेपोलियन सच्चाई के पथ पर चलने वाला इंसान था। बचपन से ही उसे खुद पर दृढ़ विश्वास था और दृढ़ इच्छा शक्ति भी। सच्चा दान। मालाबार केरल की बात है। वहां वडगरा नाम के एक गांव में सभा का आयोजन किया गया। गांधी जी ने अपने भाषण में सभा में उपस्थित सभी बहनों से जेवरों की भीख मांगी। बहुत सी वस्तुएं भेंट में मिली। अपना भाषण समाप्त करके गांधी जी उनको नीलाम करने लगे। उसी समय कौमुदी नाम की 16 वर्ष की एक कन्या धीरे से मंच पर चढ़ाई। उसने एक हाथ की सोने की चूड़ी उतारी और उसे गांधी जी को देते हुए बोली, क्या आप मुझे अपने हस्ताक्षर देंगे? गांधी जी हस्ताक्षर कर ही रहे थे कि उसने दूसरे हाथ की चूड़ी भी उतार दी। ये देखकर गांधी जी ने कहा, अरे पगली लड़की, दोनों चूड़ियां देने की जरूरत नहीं है। एक ही चूड़ी लेकर मैं तुम्हें अपने हस्ताक्षर दे दूंगा। इसके उत्तर में कौमुदी ने अपने गले का स्वर्णहार उतार लिया। गांधी जी ने पूछा, तुमने अपने माता पिता से आज्ञा ले ली है ना? बिना कोई उत्तर दिए उसने कानों में से रत्न जड़ित बूंदे भी निकाल लिए। आभूषणों को देने के लिए अपने माता पिता से आज्ञा ले ली है ना? कौमुदी कुछ उत्तर देती इससे पहले ही किसी ने कहा, इसके पिता तो यही है ना? मान पत्रों की नीलामी में वही तो बोली लगवाकर आपकी मदद कर रहे हैं। तुम्हें यह तो मालूम होगा कि ये गहने दे देने के बाद तुम फिर नए गहने नहीं बनवा सकोगी। कौमुदी ने यह शर्त दृढ़तापूर्वक स्वीकार कर ली। गांधी जी ने हस्ताक्षर करने के बाद यह वाक्य लिख दिया, तुम्हारे इन आभूषणों की अपेक्षा तुम्हारा त्याग ही सच्चा आभूषण है। सच है, देश प्रेम से बढ़कर कुछ नहीं। मित्रों, जब हम भाषा की बात करते हैं तो भाषा की कई विशेषताएं हैं। भाषा में असर कारक प्रत्यायन हेतु सामासिक शब्दों का प्रयोग किया जाता है। उसी प्रकार कहावत भी भाषा के असर कारक प्रत्यायन का एक हिस्सा है। कुछ ही शब्दांश या एक ही वाक्य के जरिए आप सारी बात कह सकते हैं। परंपरा से ऐसी स्थिति के लिए उसी का उपयोग किया जाता है। आइए ऐसी ही कुछ कहावतें, उनका अर्थ और वाक्य प्रयोग के जरिए उसे समझने का प्रयत्न करें। भाषा सज्जता। आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास। तुम्हें छात्रावास में इसीलिए भेजा था कि तुम परीक्षा में प्रथम आ सको, पर तुमने तो यहाँ रहकर भी बेकार की बातों में समय बर्बाद करना शुरू कर दिया। इसे कहते हैं आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास, अर्थात अच्छा काम छोड़कर महत्वहीन काम में लग जाना। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। एक तो तुमने चोरी की और ऊपर से मुझे ही डांट रहे हो। इसे कहते हैं उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, अर्थात अपराधी द्वारा निर्दोष को धमकाना। ऊंची दुकान फीका पकवान। हमने तो तुम्हारी दुकान की प्रसिद्धि सुनकर सामान खरीदा था, मगर आपका सामान तो बहुत ही घटिया निकला। इसे कहते हैं ऊंची दुकान फीका पकवान, अर्थात प्रसिद्धि के अनुरूप न होना। एक तो करेला ऊपर से नीम चढ़ा। वह शराबी तो था ही, जुआ भी खेलने लगा। यह तो वही बात हुई, एक तो करेला ऊपर से नीम चढ़ा। इसे कहते हैं एक तो करेला ऊपर से नीम चढ़ा, अर्थात एक दोष के साथ साथ दूसरा दोष भी लग जाना। एक सड़ी मछली सारे तालाब को गंदा करती है। जब से धनराज हमारी कक्षा में आया है, उसने कई बार चोरी की है। उसकी देखा देखी कई और लड़के भी इस लत में पड़ गए हैं। ठीक ही कहा है, एक सड़ी मछली सारे तालाब को गंदा कर देती है। इसे कहते हैं एक सड़ी मछली सारे तालाब को गंदा करती है, अर्थात एक ही बुराई के कारण सबकी बदनामी होना। कंगाली में आटा गीला। गंगू पहले ही बहुत निर्धन था। छोटी सी नौकरी में बड़ी मुश्किल से गुजारा कर रहा था। अब तो वह भी छूट गई। इसे कहते हैं कंगाली में आटा गीला, अर्थात मुसीबत में और मुसीबत आना। कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू तेली। उस साधारण गायिका की तुलना लता मंगेशकर से करना उचित नहीं। कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू तेली। इसे कहते हैं कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू तेली, अर्थात दो व्यक्तियों की स्थिति में बहुत अंतर होना। कोयले की दलाली में हाथ काला। उसका साथ छोड़ दो, पूरा गुंडा है, कभी तुम्हें ले बैठेगा जानते नहीं। कोयले की दलाली में हाथ काला। इसे कहते हैं कोयले की दलाली में हाथ काला, अर्थात बुरे के साथ रहने पर बुराई मिलती है। चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए। सेठ मोहनदास कई दिनों से बीमार है, फिर भी अस्पताल नहीं जाना चाहते हैं। उनके लिए तो चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए। इसे कहते हैं चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए, अर्थात कंजूस व्यक्ति कष्ट सहन कर लेता है लेकिन पैसे खर्च नहीं करता। जो गरजते हैं सो बरसते नहीं। कमल ने इस बार 100 मीटर की दौड़ में प्रथम स्थान प्राप्त करने का दावा किया था। वह प्रथम तो क्या तृतीय भी ना आ सका। इसे कहते हैं जो गरजते हैं सो बरसते नहीं, अर्थात जो डींग मारते हैं वे काम नहीं करते। नाम बड़े और दर्शन छोटे। तुम्हारे विद्यालय की बहुत प्रशंसा सुन रखी थी, पर आकर देखा तो पढ़ाई का स्तर कुछ भी नहीं। इसे कहते हैं नाम बड़े और दर्शन छोटे, अर्थात प्रसिद्धि अधिक किंतु तत्व कुछ भी नहीं। बोया पेड़ बबूल का, आम कहाँ से पाए। सारे साल तो तुमने पढ़ाई नहीं की, अब उत्तीर्ण होने के सपने देख रहे हो। ये संभव नहीं है, क्योंकि किसी ने कहा है बोया पेड़ बबूल का आम कहाँ से पाए। इसे कहते हैं बोया पेड़ बबूल का आम कहाँ से पाए, अर्थात बुरे कामों का अच्छा फल नहीं मिलता। Dear students, this brings to the end of this part of the video. Hope you must have understood everything. Do not hesitate to put your comments, queries or questions in the comments box. Take very good care of yourselves and your family. Stay home, stay safe. We will meet again in the next part of this lesson or a new lesson. Subscribe to this channel, like this video and share it with your friends. Don't forget to touch the bell icon for notifications of new videos. Till then, it's goodbye from BRAMS School.